वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई हिंदी फिल्म यानी कि द केरला स्टोरी के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगी अदा शर्मा, सिद्धि इदनानी और सोनिया बलानी। तो 2 घंटे 18 मिनट के रन टाइम के साथ आई इस फिल्म के बारे में अगर मैं सबसे पहले कुछ कहना चाहूंगा तो बस इतना ही है कि ये एक अच्छे अवेयरनेस के साथ आई है, एक अच्छे सोशल मैसेज के साथ आई है। फिल्म के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से आतंकवादी जो है इस्लाम के नाम पर दुनिया भर से लड़कियों का ब्रेन वॉश के उन्हें आतंकवादी गतिविधियों में यूज कर रहे हैं, वो मैसेज फिल्म का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सीरियस है। और मैं कहना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर मेकर्स ने एटलीस्ट इतनी ब्रुटैलिटी तो दिखाई है कि इन चीजों को देखने के बाद कोई भी उस राह पर चलने से अपने आप को आसानी से रोक सकता है। बाकी फिल्म के डायरेक्टर के बारे में बात करूं तो फिल्म के अंदर उनका डायरेक्शन कैसा भी रहा हो, बट वो अपने मुद्दे से कहीं पर हटे नहीं है, उससे बिल्कुल ऑनेस्ट रहे हैं। अब ये पूरी तरीके से उनका टेक है, उन्हें बैलेंस तरीके से दिखाना है या फिर एक तरफा तरीके से दिखाना है, वो पूरी तरीके से उनका अपना टेक है, उस पर हम उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट एक डायरेक्टर को इतनी आजादी तो होनी ही चाहिए। और फिल्म का मेन फोकस 2 घंटा 18 मिनट में ज्यादातर जो है आतंकवादियों के ऊपर और उनकी एक्टिविटीज के ऊपर ही होता है। और जो दिखाया गया है कन्वर्जन, वो कोई भी इनकार नहीं कर सकता, इवन मैंने भी अपने आंखों से कन्वर्जन वगैरह देखे हुए हैं। और यहां पर जो फिल्म में जिस तरीके से दिखाया है कि कन्वर्जन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों में आगे जाकर किया जाता है कुछ केसेस में, वो तो सही में अपने आप में एक ऐसा विषय है कि जो सबके सामने आना चाहिए था। तो और ये कह सकता हूं कि 2 घंटे 18 मिनट की एक अच्छी सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने वाली वीडियो है, बट एक अच्छी फिल्म ये क्यों नहीं बन पाई है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, वीडियो के अंदर मैं बहुत ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूंगा, पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि प्रोडक्शन डिजाइनिंग, विजुअल, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिजाइनिंग, इन सभी चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कस ना करें, क्योंकि ये हो सकता है कि एक एक्सक्यूज आ सकता है कि बजट रिस्ट्रिक्शन की वजह से ये सब चीजें उस लेवल तक नहीं जा पाई है। बट हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो राइटिंग के ऊपर रहेगा कि किस तरीके से राइटिंग में जो गड़बड़ हमें देखने को मिलती है, उस कारण से फिल्म के काफी पोर्शंस में जो इंपैक्ट है वो कम पड़ जाता है। तो वीडियो के अंदर डेफिनेटली कुछ स्पॉइलर्स होने वाले हैं, क्योंकि चीजों को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर केवल मैं एक पॉइंट पर बोल के निकल जाऊंगा तो मुझे भी पता है कि आपका क्या रिएक्शन होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक फिल्म नहीं देखी और देखने की प्लानिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आप पहले फिल्म देख लीजिए, उसके बाद अगर आप चाहो तो इस वीडियो को आगे आकर कंटिन्यू कर सकते हो। तो फिल्म द केरला स्टोरी का जो 2 सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहां पर साबित होता है, वो है यहां पर कैरेक्टर डेवलपमेंट और दूसरा है यहां पर फिल्म का स्क्रीन प्ले। देखिए, फिल्म एक तरफ जहां पर टेररिज्म के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी मैसेज देने की कोशिश करती है कि अगर हम अपने रूट के साथ, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहें तो किसी में भी ताकत नहीं है कि हमारा ब्रेन वॉश करके हमें गलत राह पर ले जाए। और फिल्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा जो है यहां पर ब्रेन वॉशिंग के ऊपर फोकस होता हुआ नजर आता है। तो जहां पर ब्रेन की बात आ जाती है तो वहां पर साइकोलॉजी की बात आ जाती है कि ऐसा क्या होगा उन दिमाग के अंदर कि उन्हें ब्रेन वॉश करना इतना आसान हो गया, क्या साइकोलॉजी रही होगी। एक इंसिडेंट दिखाया कि उनके ऊपर किसी ने उन्हें छेड़ा तो वहां से वो चीजें जो है आगे बढ़ गई, बट क्या वो एक ही इंसिडेंट की वजह से उनका ब्रेन वॉश करना इतना आसान हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो ये चीजें धीरे 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 बहुत लंबे समय से जो है डेवलप होती रहती है किसी के दिमाग में, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर दिमाग हार मान जाता है और उसे ब्रेन वॉश करना बहुत ही आसान हो जाता है। अब इस चीज को अगर आप सिद्धि इदनानी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उस कैरेक्टर के पास एक पर्पस नजर आता है कि हाँ, उसके पिताजी जो है कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करते थे, वो भगवान में नहीं मानते थे और उनके घर में कभी भी हमारे कल्चर के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में बात ही नहीं हुई, तो उसका ब्रेन वॉश करना काफी हद तक आसान नजर आता है। पर यहाँ पर फिल्म की कहानी का जो लीड कैरेक्टर है उसे प्ले कर रही है अदा शर्मा, उनके घर में क्या प्रॉब्लम है, उनकी माँ तो पूजा पाठ करती है, रीति रिवाजों को फॉलो करती है, तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई कि उनका दिमाग इतना कमजोर पड़ गया कि उसे ब्रेन वॉश करना बहुत आसान हो गया। क्या बचपन में कोई ऐसी घटना घटी थी, क्या कोई गलत संगत का असर था, क्या फिल्मों को देखकर यह सब सीखा, या फिर माता पिता ने वो परवरिश नहीं दी, क्या था, उसे फिल्म के अंदर नहीं दिखाया गया है। और दूसरी चीज जिसको देखकर मुझे बहुत ज्यादा शॉक लगा वो ये था कि वो बचपन से एक ऐसे घर में पली बड़ी है जहां पर भगवान की पूजा होती है, रीति रिवाजों का पालन होता है, सब कुछ होता है, वहां पर इतना सब कुछ देखने के बाद भी उसकी पूरी जिंदगी में उसे कभी भी वो इच्छा नहीं जगी कि वो अपने भगवान के बारे में जाने, अपनी संस्कृति के बारे में जाने,
अपने रीति रिवाजों के बारे में जाने। पर जैसे ही कहानी के अंदर एक मुस्लिम कैरेक्टर आती है, वो अपने अल्लाह के बारे में बताती है, तो अचानक से वो इच्छा, वो उत्सुकता कैसे बढ़ने लगती है। मतलब अगर आपने अपने भगवान के बारे में आज तक जानने की इच्छा नहीं दिखाई, तो यहाँ पर अल्लाह के बारे में जानने के लिए आपकी वो इच्छा इतनी जल्दी डेवलप कैसे होने लगी। तो इस तरीके से पूरे कैरेक्टर को कहीं पर भी प्रॉपर बेस जो है वो नहीं दिया गया है। और इस चीज से मुझे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर फिल्म के अंदर एक बहुत ही सीरियस इशू को डिस्कस किया जा रहा है, आतंकवाद जैसे इतने बड़े मुद्दे को डिस्कस किया जा रहा है, बट उसका सॉल्यूशन जो कि कहीं ना कहीं फिल्म के डायरेक्टर चाहते तो निकाल सकते थे, वो नहीं निकाला है। आप और हम जो भी इस फिल्म को देखने जा रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम लोगों को ये पता है कि चीजें गलत हो रही हैं, आतंकवादी गतिविधियां इस तरीके से चल रही हैं। बट अगर आपको ये पता हो कि बचपन में ऐसी क्या छोटी छोटी चीजें घटती है जिस कारण से बच्चे एक अलग ही राह पर निकल पड़ते हैं, तो आप उन चीजों को बचपन में ही रोक सकते हो। और अगर डायरेक्टर ने थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उस चीज को अगर ऑनेस्टी के साथ दिखाने की कोशिश की होती, उस साइकोलॉजी को अगर समझने की कोशिश की होती, तो मेरे हिसाब से चीजें और बेटर वे में काम कर सकती थी। अब क्योंकि कैरेक्टर का कोई बेस ही नहीं है, हर एक चीज जो है काफी फोर्स फिट नजर आती है, तो हम उस कैरेक्टर के साथ उतनी स्ट्रांगली कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। वो जिस सिचुएशन में है, जिस पेन को महसूस कर रही है, वो सभी चीजें हम जब विजुअली देख रहे होते हैं, वो विजुअली डिस्टर्बिंग नजर आती है, बट जो हिट करना चाहिए ना चीज, वो मिस हो जाता है। बाकी अदा शर्मा की अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, तो डेफिनेटली इस कैरेक्टर के लिए और बेटर कास्टिंग हो सकती थी। इवन फिल्म के अंदर जो दूसरी एक्टर है सिद्धि इदनानी, उनकी परफॉर्मेंस में कहूंगा कि अदा शर्मा से बेटर है। एटलीस्ट उनके कैरेक्टर के पास एक आर्क है, वो शुरुआत से लेकर एंड तक में उसको एक प्रॉपर तरीके से डेवलप किया गया है, उसके पास रीजन है, उसे जब रियलाइज होता है अपनी गलती का, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है, वो सब कुछ काफी कन्विंसिंग नजर आता है। पर अदा शर्मा की परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, तो एक सीन के अंदर जहां पर वो एक औरत का हाथ काट दिया जाता है केवल लिपस्टिक को यूज करने के लिए, उसके बारे में जब उसे पता चलता है, वो कैसे रिएक्ट करती है, उसे आप देखोगे ऐसे ओ ऐसे करके रिएक्ट करती है, मतलब मानो कोई लड़की जो है कॉलेज की कोई गॉसिप उसके साथ डिस्कस कर रही हो। बाकी जो क्लोजअप शॉट्स लिए गए हैं उनके फेस के ऊपर उसके टाइम, तो उनके एक्सप्रेशन अगर आप देखोगे, तो डेफिनेटली आपको एक पल को एहसास होगा कि इतने स्ट्रांग और इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के लिए और बेटर कास्टिंग हो सकती थी। पूरी फिल्म के अंदर अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात करूं, तो क्लाइमैक्स पोर्शन के अंदर जहां पर उन्हें कैंप में लेके जाया जाता है जबरदस्ती करके, वहां पर कहूंगा कि परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी थी, अदरवाइज फिल्म के अंदर कहीं पर भी वो बहुत ज्यादा इंप्रेस करने में कामयाब नहीं हो पाई। मेरे हिसाब से अगर सिद्धि इदनानी को लीड कैरेक्टर दिया होता, तो मेरे से वो ज्यादा बेटर तरीके से उसे परफॉर्म कर सकती थी। बाकी फिल्म के स्क्रीन प्ले के बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखिए फिल्म की शुरुआत में ही हमें ये दिखा दिया जाता है कि यहां पर अदा शर्मा का जो कैरेक्टर है वो बच के निकल आई है और वो अब अपनी पूरी कहानी को सुना रही है। तो हमें ये पूरी तरीके से शुरुआत में ही क्लियर कर दिया जाता है कि वो इस भयंकर सिचुएशन से ऑलरेडी बाहर निकल चुकी है। तो जो थ्रिल, जो सस्पेंस क्रिएट किया जा सकता था कि क्या ये लड़की इतने सारे आतंकवादियों से बच पाएगी या नहीं, तो वो सस्पेंस जो है शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाता है। और अगर ओवरऑल स्क्रीन प्ले की मैं बात करूं, तो फर्स्ट हाफ जहां पर चीजों को बहुत ही फटाफट तरीके से लेके जाता है, वहीं सेकंड हाफ जो है थोड़ा सा ज्यादा खिंचा हुआ नजर आता है। बाकी अगर बात करें ब्रुटैलिटी की, तो सुना है कि सेंसर ने काफी सारे सीन्स यहां पर फिल्म के काट दिए हैं, तो उस कारण से बहुत ही कम सीन्स ऐसे बचते हैं, बट जितने भी बचे हैं कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग जरूर नजर आते हैं। बट इसे आप द कश्मीर फाइल से कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट देखा था जहां पर एक बंदे ने यह लिखा था कि यह फिल्म कश्मीर फाइल्स द कश्मीर फाइल्स से 10 times ब्रूटल है। सीरियसली, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म के साथ आप इसे कंपेयर कैसे कर सकते हो? अनुपम खेर की एक्टिंग उठाकर देख लो, इवन पल्लवी जोशी का जो कैरेक्टर है वो जिस तरीके से कॉलेज के बच्चों को भड़काती है, उनका ब्रेन वॉश वो जिस तरीके से करती है, उनकी परफॉर्मेंस देख लो कितनी कन्विंसिंग थी, मतलब उनकी आंखों के अंदर वो इरादे जो है हम देख पाते हैं। बाकी ब्रूटल सीन्स की अगर मैं बात करूं, तो द कश्मीर फाइल्स के अंदर ऐसे ऐसे सीन्स थे जिन्हें पूरा देख पाना भी जो है बहुत ही मुश्किल था। तो उस फिल्म का इस फिल्म के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। एक्टिंग से लेकर टेक्निकल डिपार्टमेंट में हर जगह काफी सुपीरियर फिल्म वो नजर आती है। तो ओवरऑल कहा जाए, तो फिल्म द केरला स्टोरी डेफिनेटली एक ऐसे मैसेज के साथ आती है जो केवल इंडिया के लिए नहीं पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप केवल उस मैसेज के लिए इस फिल्म को देखने जाना चाहते हो, तो एक बार आप इस फिल्म को देख सकते हो। बट राइटिंग, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली, तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।